बुरहानपुर जिले में शासन की योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे हैं अधिकारी कर्मचारी। प्रधानमंत्री की मेहनती योजना स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 के तहत बुरहानपुर जिले में करीब 100 पंचायतों को चिन्हित कर वहां पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत बुरहानपुर जनपद में करीब 56 पंचायतों में इसका निर्माण किया गया है, जबकि खकनार पंचायत के अंतर्गत 44 पंचायतों में निर्माण किया गया है, किंतु पंचायतों में 9 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण पूरा हुआ है, लेकिन बाहर से रंग रोगन कर जियो टैग कर इसे पूर्ण दिखा दिया गया है। इसकी हकीकत जानने के लिए जब टाइम 8 की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया तो इस योजना की पोल खुलकर सामने आ गई। हमारी टीम ने सबसे पहले खकनार जनपद के अंतर्गत ग्रामीण पंचायत का दौरा किया तो हकीकत जो सामने आई वे सच से बिल्कुल पलट थी। बुरहानपुर जनपद अंतर्गत गांव खामनी, यहां लिस्ट में कार्य पूरा दिखा दिया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बाहर की दीवार पर रंग रोगन और स्लोगन अंकित थे, लेकिन जैसे ही शौचालय के अंदर हमने प्रवेश किया तो ना तो प्लास्टर था, ना ही किसी भी प्रकार की टॉयलेट सीट लगी थी, ना ही किसी भी तरह का कार्य पूरा था। यह सामुदायिक स्वच्छता परिसर चिल्ला चिल्ला कर अपनी दुर्दशा पर आंसू बह रहा था। यही नहीं, यहाँ हमारी टीम ग्राम भावसा जब पहुंची तो सारी हदें पार हो गई। स्वच्छता परिसर निर्माण किया गया, वह भी आधा अधूरा, लेकिन जिस जमीन पर किया गया वह किसी की निजी जमीन थी, जिसको लेकर पंचायत और भूस्वामी में कई बार विवाद हो चुका है। पंचायत ने इसे अतिक्रमण कर यहाँ जमीन पर निर्माण किया। यहाँ भी रंग रोगन का कार्य पूरा करा हुआ था, यहाँ भी किसी प्रकार का काम नहीं जारी था। जब इस संबंध में भूमि के स्वामी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि यह मेरी निजी जमीन है, लेकिन सरपंच और सचिव द्वारा दादागिरी कर यहाँ निर्माण किया गया। कई बार शिकायत करने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया, साथ ही मेरे साथ विवाद भी किया गया। वहीं ग्राम सचिव से जब इस पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस जमीन पर अतिक्रमण था, जिसे हटाकर निर्माण कार्य किया गया। वहीं जब पूछा गया कि यहाँ बहुत ही घटिया क्वालिटी का रेत सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है तो वह कहने लगे कि कोई घटिया क्वालिटी नहीं है, ताप्ती के रेत से निर्माण किया जा रहा है। जबकि इन पंचायतों के बिल निकाले गए तो इसमें भारी भ्रष्टाचार दिखा। लोहे की सरिया 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी गई, जबकि यह आज का भाव नहीं है। वहीं रेत और ईंट भी 5,000 रुपए प्रति ट्रॉली के भाव से खरीदी गई, जो कि मात्र 3,000 के भाव से मिलती है। इसी प्रकार के कई भ्रष्टाचार और भी सामने आए। ये हमारे मामा के नाम से जो पट्टा बना है 2013-14 में, सरपंच ने और उसके पति ने जबरदस्ती यहाँ अतिक्रमण के नाम पर ये निर्माण कार्य चालू किया था। उस पर हमने आपत्ति लिए, कोर्ट में न्यायालय में केस चालू है। और आज से कम 25 दिन पहले इन्होंने न्यायालय में काम कंप्लीट होना बता दिया, जबकि आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। काम चल रहा है अभी भी, और ये न्यायालय से भी झूठ बोले हैं। और ये जो मॉनिटरिंग के लिए इंजीनियर आते हैं तो ये इंजीनियर कोई ध्यान नहीं देते काम पे, और ज़बरदस्ती फ़ोटो खींच के शासन को गुमराह कर रहे हैं। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि इसकी जाँच की जाए कि ये काम कैसे इस तरह से हो रहा है। ये सामुदायिक शौचालय, वो घटिया सामग्री निर्माण हो रही है क्या है, वो अब कलेक्टर साहब जब जांच करेंगे तो वो दिख जाएगा उनको। वहां हमारी टीम अगले गांव मालवीर पहुंची तो वहां भी देखा कि सामुदायिक शौचालय गांव से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर उसका निर्माण किया गया है, जहां इसका कोई औचित्य ही नहीं है। यहां ना तो कोई आता है ना कोई जाता है। गांव से 3 किलोमीटर दूर ताड़ा नामक फलिया है, जहां इसका निर्माण कर भ्रष्टाचार किया गया। रेत की जगह गल का उपयोग किया गया, ईंट भी 5,000 रुपए के भाव से खरीदी गई, सरिया भी 7,000 रुपए के भाव से खरीदा गया। वहीं जब हम अगले गांव धावन गांव पहुंचे तो यहां सामुदायिक स्वच्छता परिसर का हाल देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहां तो दीवार भी हिल रही थी, तो पूरे ही क्षेत्र में शौचालय का निर्माण घटिया क्वालिटी से किया गया है, किंतु सचिव द्वारा इसमें घटिया क्वालिटी की सामग्री का उपयोग कर लंबे लंबे बिल निकाले गए हैं।
यहाँ भ्रष्टाचार सचिव द्वारा तो किया गया ही है, किंतु इसकी क्वालिटी देखने वाले इंजीनियर्स भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने इस प्रकार की घटिया सामग्री को अनुमति दी है और निर्माण कराया है। वहीं जब ग्रामीण युवकों से इस पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पंचायत द्वारा निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है, निर्माण किए गए कार्यों को रुकवाया गया है, निर्माण किए गए कार्यों को कई बार रुकवाया गया, किंतु सचिव और इंजीनियर्स अपनी मनमानी कर घटिया सामग्री का उपयोग करते गए। वो बन रहा है 3,44,000, ये बन रहा है कम से कम 1 माह पहले से, मनने गया होते 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक। नहीं ऐसा नहीं रे, जो तपतिकी रेत है वही लाई है अपने, जो इंजीनियर साहब ने बताया वही रेत से ही सामग्री प्लास्टर के लिए की होंगी उसका। एक्चुअली में तो रेत तो अच्छी हो क्वालिटी की, नहीं अभी थोड़ा प्रगति रहते, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा काम। बनने के बाद दरारें नहीं है, वो थोड़ा कर दिया था, फिर उसके बाद अभी तो काम चालू है, 1-2 दिन में तो पूरी फाइनल हो जाएंगी शौचालय। वो अभी तो बताया गया था कि जैसा भाई कर दो तो हो जाएगा, वो हमारे ही जैसे सरपंच साहब ने बोला था कंप्लीट करवा दो उसको, तो थोड़ा केसबाजी में अतिक्रमण हटाया गया था, इस कारण से थोड़ा ये कर लिया हमने। रफीक तड़वी, ग्राम पंचायत भावसा सचिव। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।